नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, अब लोगों का घर आने जाने का सिलसिला भी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। ऐसे में ट्रेनों से सफर करने वालों की संख्या में भी दोगुनी रफ्तार बढ़ जाती है। अगर इस फेस्टिवल की बात करें तो अगले कुछ दिनों में दिवाली और छठ का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में रेलवे ने कुल 283 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। जी हाँ, ये ट्रेनें यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए 4480 फेरे लगाएगी। रेलवे के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे कुल 42 स्पेशल ट्रेनों को चलाने वाला है, जो कुल 512 फेरे लगाएगी। पश्चिम रेलवे 36 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगी। ये ट्रेनें कुल 1262 फेरे लगाकर यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे 24 स्पेशल ट्रेनों के द्वारा कुल 1208 ट्रेनों का संचालन करेगी। खास बात यह है कि ये नई दिल्ली, आनंद विहार, पटना, सहरसा, जोगबनी, गोरखपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, गया, लखनऊ, दरभंगा और कटिहार आदि जैसे शहरों से आने वाले यात्रियां इस त्योहारी सीजन सुविधा रहेगी। वहीं खास बात यह है कि नई दिल्ली, आनंद विहार, पटना, सहरसा, जोगबनी, गोरखपुर, बरौनी, मुजफ्फरपुर, गया, लखनऊ, दरभंगा, कटिहार आदि शहरों से आने वाले यात्रियों को इस त्योहारी सीजन सुविधा रहेगी। आपको बता दें कि रेलवे इस बार काफी सख्ती दिखाने वाला है। इस त्योहारी सीजन बिना टिकट यात्रा करने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। इसके लिए रेलवे ने स्पेशल अभियान चलाने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने हर जोन के सीनियर अधिकारियों को बे टिकट यात्रियों पर नकेल कसने को कहा है, जिससे टिकट लेकर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल जनभावना टाइम्स को सब्सक्राइब करिए।